गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स सो टूडे वी विल कवर चैप्टर मोशन कंप्लीट चैप्टर वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो तो हमारे जो टॉपिक होंगे सबसे पहले टॉपिक आएगा वट इज मोशन कि मोशन क्या होता है फिर हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में फिर उसके बाद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड एंड विलोसिटी एसलेशन इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन एंड लास्ट टॉपिक होगा आपका सर्कुलर मोशन तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से जिसका नाम क्या है मोशन कि मोशन है क्या सो वट इज मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ मैं इफ़ एनी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है इफ़ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस द पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम ये बोलेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है बेटा यहाँ पर उसकी पोजिशन ए है लेकिन कुछ टाइम के बाद मैं बोलता हूँ कि आफ्टर टाइम टी उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो जाती है यहां पे बी हो जाती है ठीक है ना तो मैं क्या बोलूंगा कि इस ऑब्जेक्ट ने टाइम टी के बाद अपनी पोजीशन को चेंज किया तो व्हाट आई विल से कि दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है मोशन में है आपके पास सो व्हाट इज द डेफिनेशन एन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम विद टाइम देन दैट ऑब्जेक्ट देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन सेड टू बी इन मोशन तो ये आपकी डेफिनेशन रहेगी और जब भी हम मोशन की बात करेंगे हम हमेशा बात करेंगे कि आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई है तो जब ये पोजीशन चेंज हुई है तो ये पोजीशन किसके रेफरेंस में चेंज हुई है तो उस पॉइंट को जैसे आपका यहां पे ए पॉइंट से हमने बात किया था तो जिस रिस्पेक्ट में ए से ऑब्जेक्ट बी पे गया तो ये जो आपका ए पॉइंट है बोलेंगे ओरिजिन जहां से स्टार्ट हुआ या इसको बोल सकते हैं हम रेफरेंस पॉइंट आपने याद रखना ये इस पॉइंट को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट जिसके कंपैरिजन में हमें यह पता लगेगा कि आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई है या पोजीशन चेंज नहीं हुई है तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द मोशन अब आपके जो मोशंस होते हैं वो कौन से हो सकते हैं आपका मोशन क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है वो स्ट्रेट लाइन मूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट कैन मूव इन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है ठीक है ना जैसे आपकी रोड पे ऑब्जेक्ट चल रहा है सेकेंड आपके पास क्या होता हो है सर्कुलर मोशन हो सकता है सर्कुलर का मतलब क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कल में मूव करता है सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है तो ये होता है आपका सर्कुलर मोशन इसके बाद आपके पास आता है जो हम बात करेंगे वाइब्रेटरी मोशन वाइब्रेटरी मोशन तो उसमें क्या होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है एक पॉइंट के राउंड पहले इधर जाएगा फिर वो इधर जाएगा ठीक है ना तो यहाँ पे वाइब्रेट करेगा करेगा टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो ठीक है ना तो तीन मोशन हो गए स्ट्रेट लाइन होगा देन सर्कुलर और उसके बाद आपके पास क्या आएगा वाइब्रेटरी मोशन आएगा ठीक है ना एक फिक्स पॉइंट पे ठीक है ना ये आपका फिक्स पॉइंट होगा यहाँ से पहले ऑब्जेक्ट इधर गया जैसे आपका पेंडुलम होता है घड़ी देखिए सभी ने ना तो घड़ी में जो पेंडुलम होता है उसका वाइब्रेटरी जब कोई एथलीट सर्कुलर पार के राउंड मूव करते हैं तो वो सर्कुलर हो जाता है और जब कोई ट्रेन सीधी चलती है कोई गाड़ी सीधी चलती है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो वो आपका हो जाता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अब हम बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन इन स्ट्रेट लाइन सो आपके पास जो मेन यहाँ पे टॉपिक है वो यही है इसी के बेस पे आपके पास बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे यहाँ पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन तो जब मैं यहां पे स्ट्रेट लाइन की बात करता तो मतलब क्या है कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है ए ऑब्जेक्ट है ए से वो कहाँ पे गया बी पे गया सपोज उसने डिस्टेंस कवर किया टेन मीटर बी से वो चला गया सी पे डिस्टेंस कवर किया फाइव मीटर सी से कहाँ पे चला गया डी पे चला गया डिस्टेंस कवर किया सपोज ट्वेंटी मीटर ठीक है ना तो आप देखिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो जब स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वहां बोलते हैं मोशन है स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स आएंगी दो टर्म्स आपके पास क्या आएगा आएगा डिस्टेंस दूसरा आपके पास आएगा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखिए ये टॉपिक आपके लिए इतना कंसेप्ट बेस्ड है कि अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का नहीं पता निकालने का तो फिर आगे नहीं कर पाओगे तो हम बात करेंगे पहले डिस्टेंस की बात करेंगे फिर हम सेम एग्जांपल लेके हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले डिस्टेंस देखिए आपके पास मैंने बोला कि आपका ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया तो डिस्टेंस कवर कितने किया टेन मीटर तो आपने अभी तक कवर कर लिया टेन मीटर फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट बी से कहाँ पे गया सी पे गया अगेन कवर कितना किया फाइव फिर सी से ऑब्जेक्ट गया डी पे तो आपने कवर क्या किया ट्वेंटी तो आपने अभी तक तो टोटल कवर कर लिया ट्वेंटी फाइव नहीं ट्वेंटी थर्टी फाइव आपने कवर किया थर्टी फाइव मीटर जब आप क्या किया आपका जो टोटल ए टू डी आपने क्या किया मूव किया जब आपने ए टू डी मूव किया है तो आपकी जो टोटल डिस्टेंस बनती है वो बनती है थर्टी फाइव मीटर ठीक है जी फिर क्या हुआ आप वापस डी से सी पे आ गए आप वापिस कहाँ आ गए डी से सी देखिए थर्टी फाइव आपने पहले कवर किया था प्लस डी से सी आने में कितना कवर किया ट्वेंटी सो so, अब आपने कवर कर लिया टोटल फिफ्टी फाइव मीटर फिर आपने क्या किया ये आपकी पोजीशन कब है जब आप डी टू सी पे आए हो आफ्टर दैट आप सी से आ जाते हो बी पे वैन बी मूव सी टू बी सी टू बी जब आप आते हो तो पहले आप फिफ्टी फाइव कवर कर चुके हो तो फिफ्टी फाइव प्लस आप कितना कवर किया फाइव तो टोटल कितना बन गया आपका ये सिक्सटी मीटर बन जाता है फिर आप वापस बी टू ए आ जाते हो बी टू ए तो सिक्सटी आप कवर कर चुके हो प्लस टेन आपका ये हो जाएगा तो दिस इज योर सेवेंटी और ये आपकी होगी डिस्टेंस तो अगर मैं आपको बोलूँ कि वट इज़ द डेफिनेशन आप डिस्टेंस को क्या बोलोगे तो डिस्टेंस का डेफिनेशन आपने लिखने तो डिस्टेंस आपके पास क्या होगा सो वट इज डिस्टेंस इट इज़ द इट इज द एक्चुअल लेंथ एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड जो आपने एक्चुअल लेंथ ट्रेवल किया पाथ की कि जितना आप चले हो ए से बी बी से सी सी से डी जाना डी से वापस सी पे आए सी से बी पे, पे आए और बी से वापस आप कहाँ पे आए? ए पे आ गए हो, ठीक है ना तो ये आपका डिस्टेंस क्या बनता है टोटल लेंथ ट्रैवल आपने टोटल लेंथ कितनी ट्रैवल किया है और इसका आंसर आपका आता है सेवेंटी मीटर ठीक है ना तो ये तो होती है आपकी डिस्टेंस जब आप स्ट्रेट लाइन में मूव करते हो नेक्स्ट टर्म आपके पास है डिस्प्लेसमेंट तो देखिए डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होगा यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट भी आपके पास सेम है क्या किया मैं सेम एग्जाम्पल लेता हूँ वैल्यू चेंज हो सकती है कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका ऑब्जेक्ट ए पोजिशन पे ठीक है ना ऑब्जेक्ट ने मूव किया ए से बी पे आपका ऑब्जेक्ट किया सपोज आपने ट्रेवल किया टेन मीटर तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ए से बी जाने में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो वो आपका हुआ टेन ठीक है जी फिर ऑब्जेक्ट चला गया बी से सी पे सपोज आपने ट्रेवल किया फाइव मीटर तो अब आपका क्या बन गया टेन प्लस फाइव डैट मीन इज नाउ फिफ्टीन मीटर फिर ऑब्जेक्ट चला गया सी से चला गया डी पे ठीक है जी और ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल कर लिया ट्वेंटी मीटर सो अब आपका बन गया ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन दैट इज नाउ थर्टी फाइव मीटर ठीक है ना ए से बी गए बी से सी गए सी से कहाँ पर गए डी पे चले गए ठीक है ना सो यहाँ पे ए से बी बी से सी और सी से कहाँ चले गए डी पे चले गए सेम केस बन गया आपके पास कि जब आप स्ट्रेट लाइन में मूव करते हो एक सीधी लाइन में मूव करते हो आप ठीक है ना आप मुड़ते नहीं आप सीधे जा रहे हो तो आपने देखा कि पिछले एग्जाम्पल में जब हम डी पे पहुँचे थे तो हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल की थी वो भी क्या थी 35 मीटर है और जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं वो भी आपके पास क्या है 35 मीटर ही है तो एक बात याद रखनी है आपने कि वैन वी मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन तो आपका जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा आपका सेम होगा ठीक है ना लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ेगा फर्क देखी कहाँ पे पड़ेगा आपका जो मेन आपको याद करना है अब आप डी से वापिस आते हो देखिए पहले आपकी डायरेक्शन ये थी आप स्ट्रेट लाइन में मूव करते थे अब आपकी डायरेक्शन क्या होगी वापिस तो मतलब कि जब आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई है ना तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट बताना है तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या आएगा आपने ट्रैवल किया था थर्टी फाइव थर्टी फाइव में से माइनस हो जाएगा कितना ट्वेंटी थर्टी फाइव में से माइनस क्या हो जाएगा ट्वेंटी तो ये आपका बन जाता है कितना बन जाता है ये बन जाता है फिफ्टीन ठीक है जी फिर आप सी से आ जाते हो बी पे सो फिर फिफ्टीन में से क्या माइनस होगा माइनस फाइव भी माइनस साइन क्यों लगाया क्योंकि अब आपकी डायरेक्शन क्या हो चुकी है चेंज हो चुकी है तो ये बन जाता है टेन मीटर फिफ्टीन मीटर टेन मीटर उसके बाद आप आते हो बी से ए पे आ जाते हो बी से ए पे तो आपका टेन मीटर था टेन माइनस टेन तो क्या बन गया जीरो मीटर आपके पास आ गया दैट मीन जब हमने डिस्टेंस की बात की थी आप ए टू डी गए थे और डी से आप वापिस ए पे आए थे तब आपकी जो डिस्टेंस बनी थी वो बनी थी सेवेंटी मीटर लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट बना है वो कितना बना आपका जीरो मीटर बना है डिस्प्लेसमेंट क्या बना आपके पास जीरो मीटर और अगर मैं यहां पे आपको बोलूं कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होगा इट इज द इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ठीक है ना इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो आपके पास होगा या आप इसको ये भी कह सकते हो अगर मैं बोलूं कि आपने सिंपल करना है और आप क्या बोलो इट इज द डिफरेंस इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आप थोड़ा तो डिफरेंस भी बोल दो फाइनल पोजिशन ठीक है ना तो ये आपके पास इट इज द डिफरेंस क्योंकि आपका डिफरेंस क्या ना आपने थर्टी फाइव किया था थर्टी फाइव माइनस आपका क्या बन जाता है जीरो बन जाता है लेकिन हमारी जो डेफिनेशन रहेगी वो ये रहेगी इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन तो यह डिसप्लेसमेंट है तो डिसप्लेसमेंट आपने क्या किया है? जो डिस्टेंस आपके पास था आपकी वहाँ पर केसेज आपने एज्यूम की कि आपका क्या हुआ अगर मैं बोलूँ डिफरेंस निकालने के लिए आपको डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेस अभी जो पॉइंट अभी तक मैंने आपको बताए हैं इन पॉइंट के बेस पर आपको डिफरेंस बताता हूं मैं तो डिफरेंस क्या हुआ डिस्टेंस आपके पास क्या इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ आपके पास इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन आपका ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा सेकेंड पॉइंट क्या रहा आपके पास कि जो आपकी डिस्टेंस होगी इट कैन नॉट बी जीरो इट कैन नॉट बी जीरो ये कभी भी जीरो नहीं होगा बट डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी ज़ीरो आपका ज़ीरो हो सकता है ठीक है ना तो फर्स्ट पॉइंट आपका डेफिनेशन ही है सेकेंड पॉइंट आपका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता बट आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है थर्ड पॉइंट पे जब आएंगे थर्ड पॉइंट पे देखिए आप थर्ड पॉइंट के लिए आप समझो ध्यान से मैं सेम केस करता हूँ कि ऑब्जेक्ट आपका क्या था कि जब मैंने ऑब्जेक्ट की बात की थी कि ऑब्जेक्ट आपका ए से आप गए बी पे सपोज़ आप ए से काम मूव किया आपने बी पे मूव किया आपने ट्रेवल किया टेन मीटर आपने क्या ट्रैवल किया टेन मीटर तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बनती है डिस्टेंस बनती है ए टू बी जाने के लिए दैट इज योर टेन मीटर और जो डिस्प्लेसमेंट है क्या आपके पास डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट आपके पास वो भी क्या बन के आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो बी पे पहुंचे हो तो वो भी आपका क्या हुआ टेन मीटर हुआ डिस्टेंस भी टेन मीटर है डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास क्या है टेन मीटर है अगला केस ये केस क्या जब आप ए टू बी जाते हो नाउ आप बी टू ए आ जाइए बी टू ए जब आप ए टू बी गए आपने टेन मीटर ट्रेवल किया बी टू ए जब आप आओगे तो दस मीटर जाने का दस मीटर आने का सो so ट्वेंटी मीटर इज द डिस्टेंस ट्वेंटी मीटर इज द डिस्टेंस लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा टेन मीटर आप गए इधर इस डायरेक्शन में गए आप ठीक है ना यहां जाते हो और टेन मीटर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में आते हो तो टेन माइनस टेन क्या बन गया जीरो बन जाता है लेकिन अगर आप यहाँ से आगे मूव कर जाओ इधर इस डायरेक्शन में मूव कर जाओगे आप सो ए से आप वापस सी पे आ गए ए पे आप कहां आ आगे सी पे आ गए, तब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा जीरो माइनस टेन मतलब क्या बन जाएगा माइनस टेन बन जाएगा सो so यहाँ से आपका कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ से कंक्लूजन आपका निकलता है जो मेन आपके पास थर्ड पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट आपके पास क्या आएगा डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इट कैन बी इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एज वेल एज जीरो जो तो आपको पहले बता दो एज वेल एज जीरो तो डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है जीरो भी हो सकता है बट आपकी जो डिस्टेंस रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी आपकी पॉजिटिव ही रहेगी ठीक है ना तो तीन पॉइंट आपके पास हैं फोर्थ पॉइंट आपके पास क्या आएगा पॉइंट आपके पास आएगा कि आपका जो डिस्टेंस है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी अ वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जहां पे हम मैग्नीट्यूड के साथ किसकी बात करते हैं डायरेक्शन की बात करते हैं तो दीज क्वांटिटी आर योर वेक्टर क्वांटिटीज तो डिस्टेंस आपके पास क्या बनी स्केलर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या बना इट इज़ नाउ वेक्टर क्वांटिटी तो ये फोर डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं और जो यूनिट होती है यूनिट यूनिट क्या होगी दोनों की मीटर सेंटीमीटर या किलोमीटर यूनिट क्या रहेगी दोनों की मीटर किलोमीटर या सेंटीमीटर जो मेजर किया जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को उसको हमेशा मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में मेजर किया जाएगा सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ठीक है ना डिफरेंस भी आपके पास हो गया और आपको डेफिनेशन भी मैंने बता दी है सो so, नेक्स्ट आपके पास का यूनिफॉर्म एंड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन बहुत ही आसान टॉपिक है यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है ना ऑब्जेक्ट कवर ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो वो तो बनेगा आपका यूनिफॉर्म मोशन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेकिन जब बात की जाएगी नॉन यूनिफॉर्म के बारे में तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट कवर ऑब्जेक्ट कवर अन इक्वल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो वह आपका क्या बनेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन बनेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ठीक है ना इसको एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं हम कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल देखिए कि आपने चलना स्टार्ट किया आप ए से बी आप कहीं किसी पोजीशन पर जा रहे हो ठीक है ना आपने कहीं डिस्टेंस ट्रैवल करता आप कहीं जा रहे हो तो सपोज आपने नौ बजे अपनी जर्नी स्टार्ट की नौ से ले कर साढ़े नौ बजे तक आपने कवर किया टेन किलोमीटर ठीक है जी साढ़े नौ से दस बजे तक आपने कवर किया अगेन आपने क्या कवर किया टेन किलोमीटर कवर किया साढ़े दस बजे से लेके साढ़े दस बजे तक क्या Again, आपने क्या कवर किया अगेन आपने कवर किया टेन किलोमीटर कवर किया मतलब कि नौ से साढ़े नौ कितना इंटरवल बना थर्टी मिनट बनता है साढ़े नौ से दस भी कितना बनता है थर्टी मिनट बनता है और साढ़े दस से साढ़े दस भी क्या बनता है थर्टी मिनट बनता है तो मतलब कि आपका जो इंटरवल है तीस मिनट तीस मिनट तीस मिनट आपके पास है और आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है दस किलोमीटर दस किलोमीटर दस किलोमीटर तो मतलब आपका इक्वल इंटरवल में आपकी डिस्टेंस ट्रैवल क्या इक्वल है तो ये बन जाता है आपका यूनिफॉर्म मोशन जब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म के बारे में सेम आपके पास क्या है कि आपने जर्नी स्टार्ट की अगेन आप नौ बजे घर से चले हो नौ से साढ़े नौ बजे तक ठीक है ना आपने कवर किया टेन किलोमीटर ठीक है जी फिर साढ़े नौ से दस बजे तक आपने कवर कर लिया ट्वेंटी किलोमीटर ठीक है ना और दस से लेके साढ़े दस बजे तक आपने कवर किया फिफ्टीन किलोमीटर ठीक है ना तो देखिए यहाँ पे यहाँ भी थर्टी मिनट का गैप है यहाँ भी थर्टी मिनट्स है यहाँ भी क्या है थर्टी मिनट्स का गैप है आपका टाइम इंटरवल तो सेम है लेकिन आपकी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है एक बार आपने कितना किया यहाँ पर आपने किया टेन किलोमीटर यहाँ पे आपने किया ट्वेंटी किलोमीटर यहाँ पे आपने क्या किया फिफ्टीन किलोमीटर कवर किया सो दैट मीन आपके पास क्या है दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप देखिए जब आपकी स्कूल बस की बात करता हूँ मैं स्कूल बस ठीक है ना तो स्कूल बस जब घर से लेकर स्कूल तक जाती है तो कई जगह स्टॉपेज आते हैं कई जगह ट्रैफिक आता है ठीक है ना तो गाड़ी की स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है और जो गाड़ी की स्पीड मतलब गाड़ी तब तेज़ चलती है कभी स्लो चलती है ठीक है ना तो वहाँ पे टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो पाती तो वो आपका एग्जाम्पल होता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ठीक है ना तो ये आपका दो चीज़ें हमने कवर कर दी यूनिफॉर्म एंड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन अब आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज माई मेजरिंग रेट ऑफ मोशन स्पीड एंड विलोसिटी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है तो देखिए स्पीड आपके पास है क्या स्पीड अगर आपको बोलूँ कि डेफिनेशन क्या है तो देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है रेफरेंस पॉइंट से कोई डिस्टेंस कवर करता है तो वो कितनी जल्दी उस डिस्टेंस को कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट जल्दी चलता है कोई ऑब्जेक्ट लेट चल प्लेन की बात करूँ प्लेन को बोलो हंड्रेड किलोमीटर कवर करना है बहुत जल्दी कवर करेगा लेकिन हंड्रेड किलोमीटर आप बोलो कि आपने बस से जाना है तो आपको पूरा दिन लग जाएगा पता ठीक है ना तो मेजरिंग का मतलब है रेट को मेजर कैसे किया जाता है तो रेट को मेजर किया जाता है स्पीड और विलोस्ट है आपसे तो वट इज स्पीड तो स्पीड आपके पास क्या होगी स्पीड आपके पास होगी द डिस्टेंस ट्रेवल The डिस्टेंस ट्रैवल्ड by एन ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम इज called स्पीड तो so, आपके ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है ठीक है ना और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया है वो आपका क्या बनेगा दैट इज़ द स्पीड तो ये आपके पास बनेगी स्पीड सो so, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि व्हाट इज स्पीड स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम डिस्टेंस ओवर टाइम अगर आपका डिस्टेंस मीटर में मेजर करते हो टाइम को आप लेते हो सेकंड में सो यूनिट क्या बन जाएगी मीटर पर सेकंड या आप डिस्टेंस स्पीड को मेजर कर सकते हो किलोमीटर पर आर में भी कर सकते हो ठीक है ना इनको कन्वर्ट कैसे करना होता है न्यूमेरिकल जब आपके पास आएंगे तो आपको बताऊंगा मैं सो मीटर पर सेकंड एंड द किलोमीटर पर आर इज द स्पीड ठीक है ना लेकिन आप एक बात देखिए कि जब आप सपोज आपने अपने स्कूल घर से स्कूल जाना है ठीक है ना या स्कूल से घर जा रहे हो या घर से आप क्या करते हो स्कूल जाते हो एक ही बात है सो so, होता क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ठीक है ना आप जरूर छोड़िए कि स्पीड उसकी सेम रहेगी स्पीड सेम रहे ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है अब देखिए कई बार क्या होगा जब खाली सड़क होगी तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी ट्रैफिक होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी अगर स्पीड ज़्यादा है तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगी ज़्यादा होगी स्पीड कम है तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगी कम होगी तो ऐसे केस में हम निकालते हैं एवरेज स्पीड हम निकालते हैं एवरेज स्पीड तो व्हाट इज एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड आपके पास होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम मतलब आपके पास आएगा टोटल टाइम ठीक है ना अब अब अगर आपने कभी ट्रेन टिकट बुक की होगी तो वहाँ पे जब हम किसी ट्रेन पे जाते हैं ना तो वहाँ पे ट्रेन की एवरेज स्पीड लिखी होती है भाई ये ट्रेन इस एवरेज स्पीड से चलेगी ठीक है ना तो वो एवरेज स्पीड आपके पास क्या है कि गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है और उसको कवर करने में कितना टाइम लिया है तो दैट तो इज़ माई एवरेज स्पीड ठीक है ना आई होप आपको याद रहेगा ये कंसेप्ट छोटा सा तो स्पीड के बाद आपके पास आता है विलॉसिटी सो so, विलॉसिटी सिंपली कुछ नहीं है विलोस्टी को अगर मैं बोलूँ तो विलोस्टी आपके पास क्या है स्पीड विद डायरेक्शन स्पीड विद डायरेक्शन ठीक है ना अगर मैं बोल दूं कि डायरेक्शन अगर मैं स्पीड को डायरेक्शन का कंपेयर करता हूं जैसे हमने डिस्टेंस की बात की थी डिस्प्लेसमेंट की बात की थी वैसे ही स्पीड विद डायरेक्शन तो व्हाट इज वेलोसिटी वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगा इट द डिस्प्लेसमेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम पर Unit time is called velocity. Is called velocity. So velocity को लिखेंगे हम. क्या बनेगा आपका ये? That is equal to displacement over time. Displacement over time. तो ये आप करेगा velocity. Simply आधार में. ठीक है ना? और unit again meter per second. Either kilometer per hour आपकी क्या रहेगी unit रहेगी इसकी. आगे हम करेंगे that difference between speed and the velocity. चलिए स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड आपके पास क्या है स्पीड मैंने बता दिया कि डिस्टेंस ओवर टाइम एंड वेलोसिटी आपके पास क्या है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम ये आपको मैंने बता दिया कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है स्पीड ओवर डिस्टेंस ओवर टाइम डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम तो आप डिस्टेंस की बात कीजिए डिस्टेंस में मैंने आपको बताया था डिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या था द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन आपके पास ठीक है ना फिर हमने बात की थी कि जो डिस्टेंस है कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता बट डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या हो सकता है ज़ीरो हो सकता है ना तो सेम केस है कि स्पीड कैन नॉट बी ज़ीरो स्पीड कैन नॉट बी ज़ीरो बट विलोसिटी इट कैन बी ज़ीरो जीरो हो सकती है कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है तो विलोसिटी आपकी क्या हो जाती है जीरो हो जाती है दूसरी बात स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी बट आपकी जो विलोसिटी है इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव इट कैन बी जीरो ठीक है जी फिर थर्ड डिफरेंस आपके पास क्या बोला था कि डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी आपके पास क्या रहेगी इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट इज अ वैक्टर क्वांटिटी तो विलॉसिटी इज ऑल्सो द वैक्टर क्वांटिटी विलोसिटी आपके पास क्या रहेगी ये एक वैक्टर क्वांटिटी आपके पास रहेगी फिर दूसरी बात स्पीड आपको बताती है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव हाउ फास्ट एंड ऑब्जेक्ट मूव कि कोई भी ऑब्जेक्ट है कितना फास्ट मूव करता है ठीक है ना बट विलॉसिटी आपको यह बताती है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव बट इन विच डायरेक्शन यहां पे हम बात करेंगे डायरेक्शन की तो हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव इन विच डायरेक्शन ठीक है ना तो ये आपका डिफरेंस है बिटवीन स्पीड एंड द विलोसिटी सो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ विलोसिटी मैंने आपको बताया था दो मोशन की बात की थी हमने एक आपके पास क्या यूनिफॉर्म मोशन आपके पास था और दूसरा आपके पास क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है यूनिफॉर्म की बात की है दूसरी बात क्या कि हम नॉन यूनिफॉर्म की बात की है जब हमने यूनिफॉर्म की बात की थी तो मैंने बताया था कि आपका जो ऑब्जेक्ट है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा मतलब कि उसकी जो विलोसिटी है वो क्या रहेगी सेम रहेगी जब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म के बारे में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो यहां बात करते हैं बिलोस्टी सेम है तो यहाँ पे बिलोस्टी आपके पास क्या रहेगी डिफरेंट रहेगी विलोस्टी आपके पास क्या रहेगी डिफरेंट मतलब आपकी विलोस्टी चेंज करेगी विद एवरी इंटरवल क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता तो यहां पर आपके पास देखिए जब चेंज इन बिलोस्टी आपके पास क्या है जीरो है मतलब आपका जो आपकी इनिशियल बिलोस्टी है वही आपकी क्या फाइनल बिलोस्टी है तो चेंज इन बिलोस्टी क्या है जीरो है और यहां पे आपका चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं है देखिए आप फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्ट चलता है ट्वेंटी किलोमीटर पर आर ठीक है ना नौ बजे स्पीड है ट्वेंटी किलोमीटर पर आर साढ़े नौ बजे स्पीड है वहां पे भी स्पीड क्या है ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर तो अगर मैं दोनों इंटरवल के बीच में स्पीड का डिफरेंस देखता हूं ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर तो दैट मीन चेंज इन स्पीड आपके पास क्या है जीरो किलोमीटर पर आवर तो ये बनता है यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म में क्या बोला कि नौ बजे आप गाड़ी आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है ट्वेंटी किलोमीटर पर आर और साढ़े नौ बजे आपकी गाड़ी की स्पीड हो जाती है सपोज फोर्टी किलोमीटर पर आर तो देखिए कि यहां पे गाड़ी की स्पीड में चेंज आ गया है चेंज कितना है फोर्टी माइनस ट्वेंटी सो ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर आपके पास चेंज आया मतलब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द ब्लॉस्ट इज नॉट जीरो जो कि आपके पास का नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करता हूँ ठीक है ना तो इस चेंज को बताने के लिए हम एक नई फिजिकल क्वान्टिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं दैट फिजिकल क्वान्टिटी दैट फिजिकल क्वान्टिटी इज योर एसरलेशन उसको क्या बोलते हैं हम एसरलेशन बोलते हैं तो अगर मैं बोलूँ आपको सिंपली कि वाट इज एसरलेशन ठीक है ना तो वाट इज एसरेशन एसरलेशन आपके पास क्या बताएगा आपको मेजर करेगा ये इट मेजर द चेंज इन विलोसिटी इट मेजर द चेंज इन विलोसिटी पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम ठीक है जी तो इट मेजर द चेंज इन विलॉसिटी पर यूनिट टाइम तो यह आपका एसलेशन रहेगा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए के साथ सो ए आपके पास क्या होगा एसलेशन आपके पास होगा इसको ए से रिप्रजेंट किया जाता है सो ऐसे आपके पास चेंज इन विलोसिटी ओवर टाइम ठीक है ना तो अगर मैं बोलूं आपको कि आपका कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है ठीक है ना आपकी जो इनिशियल विलोसिटी है इनिशियल ओसिटी यू आपके पास है यू मीटर पर सेकेंड और कुछ टाइम के बाद फाइनल विलोसिटी आपकी बन जाती है दैट इज वी मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना लगा आपको टाइम आपको लगा इसको कवर करने में टी सेकेंड तो वट विल बी एसेशन एसलेशन विल बी चेंज इन विलोसटी फाइनल माइनस इनिशियल सो वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी सो दिस इज माई एसरलेशन अब बात करते हैं इसकी यूनिट यूनिट क्या होगी तो यूनिट देखिए जब आपको अगर याद है विलोसटी के यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड में इसके क्या है टाइम टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड तो ये सेकेंड यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा तो क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आप इसको ये लिखो या लिखो मीटर पर स्क्वेयर या आप लिख दो ये भी ठीक है ये भी ठीक है या आप लिख दो मीटर सेकंड माइनस टू क्योंकि ये पावर ऊपर न्यूमरेटर में जाके क्या बन जाती है नेगेटिव बन जाता है तो दिस इज योर एसोलेशन ठीक है ना अब आगे देखिए इसमें हम एसोलेशन में आगे बात करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव एंड द जीरो एसोलेशन क्या आपका पॉजिटिव एसोलेशन कब होगा नेगेटिव कब होगा और जीरो ऐसोलेशन कब होगा चलिए बच्चे अब हम बात करते हैं पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एसिलेशन की मैंने बुक से एग्जाम्पल पिक किया है एग्जाम्पल को मैंने एक सिंपल टर्म में लिखा है कि कोई पर्सन है एक पर्सन बाईसाइकिल चला रहा है उसने स्टार्ट किया रेस्ट से मतलब रेस्ट का मतलब क्या है कि वो गाड़ी खड़ी है साइकिल खड़ी है अभी ठीक है ना चल नहीं रही तीस सेकेंड के बाद जब चलना स्टार्ट किया तो तीस सेकेंड के बाद उसकी विलोस्टी बन जाती है सिक्स मीटर पर सेकेंड फिर वो ब्रेक लगाता है ब्रेक लगाने के पाँच सेकेंड के बाद उसकी विलोसटी रह जाती है फोर मीटर पर सेकेंड सो so, आपने यहाँ पे बताना है एसरलेशन आपने क्या बताना है एसरलेशन तो अगर बोलता हूँ कि ये पॉइंट ए आपके पास है ये पॉइंट आपके पास है बी और ये पॉइंट आपके पास है सी तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं ए टू बी जब वो गया ए टू बी जब वो गया ठीक है ना तो ए आपके पास मतलब ए पे आपके पास ये रेस्ट पे है और जब तक वो बी पे गया उसकी विलोष्टि बन गई सिक्स मीटर पर सेकेंड बन जाती है सो so, यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट का मतलब क्या है अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ है चल नहीं रहा मूव नहीं कर रहा उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा तो दैट मीन यहाँ पे जो वेलोसिटी आपकी रहेगी दैट विल बी ज़ीरो मीटर पर सेकंड होगी दैट विल बी ज़ीरो मीटर पर सेकंड सो ए टू बी सो यहाँ पे आपकी जो इनिशियल विलोसिटी है इनिशियल विलोसिटी इज यू इक्वल टू ज़ीरो मीटर पर सेकेंड एंड व्हाट इज योर फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल का मतलब क्या है कि जब वो बी पे चला गया तो फाइनल वेलोसिटी इज वी इक्वल्स टू सिक्स मीटर पर सेकंड और ज़ीरो से लेकर सिक्स तक आने में टाइम कितना लगा उसको टाइम उसको लगता है जी कितना बोला थर्टी सेकेंड तीस सेकेंड में उसकी विलोसिटी जीरो से छ मीटर पर सेकेंड होगी तो व्हाट इज द एसन एसलेशन मैंने आपको बताया बहुत आसान सा फॉर्मूला क्या था आपको ए इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी तो व्हाट इज वी वी आपके पास है सिक्स व्हाट इज़ यू ज़ीरो डिवाइडेड बाय थर्टी सिक्स बाय थर्टी दैट इज योर वन बाय फाइव मीटर पर सेकंड स्क्वेयर बोलो आप इसको या आप इसको बोल दो जीरो पॉइंट टू मीटर पर सेकंड स्क्वेयर तो ये मेरा बन गया पहला केस जब मैंने मूव किया कहाँ से मूव किया मैंने आई स्टार्टड फ्रॉम ए और मैं कहाँ तक चला गया बी तक मैं चला गया आगे देखिए आपके पास अब बात करता हूँ मैं ए से बी पहुंच चुका हूं मैं अब मैंने क्या किया इस बी पॉइंट पे आके ब्रेक अप्लाई कर दिए जब मैंने बी पे आके ब्रेक अप्लाई किए तो सी तक आते आते मेरा साइकिल रुक गया इस पॉइंट पे आते आते सी क्या हो गया रुक गया तो बात करेंगे बी टू सी की बात करेंगे सो so बी अब बन गया मेरा इनिशियल बी क्या बन गया इनिशियल पॉइंट और सी बन गया मेरा फाइनल पॉइंट इसको समझना बी पे विलोस्टी है कितनी है बी पे बिलोस्टी अभी कितनी है सिक्स मीटर पर सेकेंड है सिक्स मीटर पर सेकेंड और सी पे पहुंचते पहुंचते क्या बन गई है फोर मीटर पर सेकेंड बन गई है तो दैट मीन इनिशियल बिलोस्टी जिसकी बात करता हूँ यू की बात करता हूँ मैं तो यू आपके पास है सिक्स मीटर पर सेकेंड और वी आपके पास है फोर मीटर पर सेकेंड और अगर मैं बोलूं कि आपने यहाँ पे ऐसेलेसन निकालना है तो ऐसेलेसन आपके पास क्या होगा माइनस यू डिवाइडेड बाई t टाइम कितना लगा पांच सेकेंड लगा उसको तो व्हाट इज v फोर माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई फाइव दैट मीन माइनस टू सो दिस वैल्यू इज माइनस टू अपॉन फाइव इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा माइनस जीरो पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर अब ये दो कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास दो रिजल्ट आते हैं रिजल्ट आपके पास क्या आता है फर्स्ट रिजल्ट अगर मैं बोलता हूँ आपके पास अगर आपका v ग्रेटर देन u है दैट मीन इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन योर फाइनल विलोसिटी देन एसरलेशन विल बी पॉजिटिव पॉजिटिव एसरलेशन सेकेंड केस आपके पास क्या है कि अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी लेस देन इनिशियल विलोसिटी आपके पास है दैट मीन इनिशियल वेलोसिटी सॉरी यहाँ पे करना था मैंने यहाँ पे साइन आएगा आपके पास ठीक है ना सो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाती है आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है चेंज कर दिया कुछ मैंने आप तो आपके पास क्या बनता है इनिशियल ग्रेट देन फाइनल अगर आपके पास हो जाता है इन दैट केस यू हैव नेगेटिव एस रिलेशन ठीक है ना ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है देखिए जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट केस आपके पास फाइनल सिक्स इनिशियल जीरो एसोलेशन आपके पास क्या था जीरो पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड सेकेंड केस में इनिशियल सिक्स है फाइनल फोर है मतलब फाइनल विलोसिटी इनिशियल से क्या है कम है तो ऐसेलेशन आपके पास क्या था माइनस जीरो पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड अब एक थर्ड केस आपके पास रह गया है थर्ड केस आपके पास क्या है कि वैन v इक्वल टू यू हो जाए आपके पास मतलब नो चेंज इन विलोसिटी नो चेंज इन विलोसटी विलोसटी में कोई भी चेंज ना हो इन दैट केस इन दैट केस आपका जो ऐसा होगा v माइनस यू बाई टी दैट मीन v माइनस वी क्योंकि v इज इक्वल टू यू बाई टी हो जाएगा तो जीरो बाई टी तो ऐसा आपके पास आएगा जीरो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर सो तीन केस आपके बनते हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक आपके पास क्या है पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ऐसा ठीक है ना और आपका जो ये नेगेटिव ऐसा रिलेशन ऐसे हम बोलते हैं रिटारडेशन याद रखना रिटारडेशन इसको बोलते हैं ठीक है ना रिटारडेशन अगर मुझे ग्राफ ड्रो करना हो कि ग्राफ के थ्रू मुझे बताना हो कि ये कैसे बनेगा ठीक है ना तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका देखिए सो दिस इज माय टाइम एक्सिस दिस इज माय वेलोसिटी एक्सिस ठीक है ना तो जब बात करता हूँ कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है आपकी ठीक है ना तो दिस इज द वेलोसिटी इंक्रीजिंग तो ये जो कर्व आपके पास आता है ये फिर उसके बाद विलोस्टी कॉन्स्टेंट हो जाती है और उसके बाद विलोस्टी क्या आती है डिक्रीज़ करती है ठीक है ना तो आप पे याद रखना है कि ये कर्व कर्ज हे आपकी विलोस्टी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रही है दिस इज़ फॉर द पॉजिटिव एसर्लेशन जहाँ पे विलोस्टी सेम होगी आपकी विलोसटी में कोई भी चेंज नहीं है दिस इज द केस फॉर द ज़ीरो एसरलेशन और जहाँ पे आपकी विलोस्टी कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ कर रही है दिस इज़ द केस फॉर द नेगेटिव ऐसे रिलेशन ठीक है ना तो ये आपका एस रिलेशन का कंप्लीट टॉपिक था ठीक है ना नाउ मूव टू तो द नेक्स्ट टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ठीक है ना आप मोशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो टॉपिक आता है दैट इज माई डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ठीक है ना तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करेंगे और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम बात करेंगे तीन पॉइंट्स की सबसे पहले कि जब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट तो जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे दैट मीन उसकी जो पोजीशन है पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा विद द पैसेज ऑफ टाइम देर इज़ नो चेंज इन द पोजीशन, सो हाउ यू विल प्लॉट द ग्राफ सो दिस इज माय लाइक दिस वे दिस इज माय डिस्टेंस एक्सिस दिस इज माय टाइम एक्सिस ठीक है ना ये टाइम एक्स दिस इज़ माय ओरिजिन ठीक है ना ओ सो वाट इम सेइंग कि सपोज मैं बोलता हूँ कि आपके पास जो टाइम है सपोज ये सुबह के बाद जब भी आपको ऑब्जेक्ट है ठीक है ना आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा वो यहाँ पे है ठीक है ना एट दिस पॉइंट ठीक है ना उसकी आपसे कुछ डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को मैंने बोल दिया कि आपके पास क्या है सपोज दैट इज अट टेन किलोमीटर या टेन मीटर ठीक है ना और पैसेज ऑफ टाइम के साथ उसकी जो पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा तो दैट मीन ना तो वो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा क्योंकि डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं है पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं है डिस्टेंस आपके पास क्या है जो पहले थी वही अब है उसकी तो दैट मीन जो ग्राफ आपका बनेगा वो ये बनेगा दैट विल बी अ पैरल लाइन टू टाइम एक्सिस ठीक है ना ये आपका ग्राफ बनेगा जब ऑब्जेक्ट आपका क्या है रेस्ट पर क्योंकि चाहे वो आप उसको नौ बजे देखो चाहे आप उसको दस बजे चाहे ग्यारह बजे चाहे बारह बजे पोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा दिस इज अ ग्राफ फॉर द रेस्ट सेकेंड आपके पास ग्राफ आता है यहाँ पे सेकेंड आएगा आपके पास किस बा जब ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म मोशन में चलता है यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको बताया था कि इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ठीक है ना तो वो जो केस आपका रहेगा दैट विल द केस होता है यूनिफॉर्म मोशन तो कैसे ड्रॉ करेंगे उसका उसका जो ग्राफ आपके पास आएगा दैट ग्राफ विल बी so this is my distance axis this is my time axis and that graph will be a like this way linear graph theek hai na straight line hoga yahan pe aise origin se continuously kya kar raha hai increase karega so this is the case for the uniform motion ki jab aapka ye continuously matlab increase karega aapki with the passage of time आपका जो distance covered है वो equal है ठीक है ना और इसका use क्या है फॉर एग्जाम्पल इसका यूज़ हम डिस्टेंस टाइम पर आपका यूज़ हम करते हैं टू फाइंड द वेलॉसिटी टू फाइन दिलास इट द स्पीड ठीक है ना बात एक ही है अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ तो विलॉसिटी तो मेरे पास दो पॉइंट है दिस इज पॉइंट ए दिस इज पॉइंट बी सो फॉर दिस इज टाइम टी वन फ्रॉम दिस इज टाइम योर टी टू एट पॉइंट ए फॉर डिस्टेंस इज योर एस वन एट पॉइंट बी द डिस्टेंस ट्रेवल इज योर एस टू सो वट विल बी दिलॉसिटी विलॉसिटी विल भी द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टाइम सो एस टू माइनस एस वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन ठीक है ना याद रखना आपने ये सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज यूज टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट नाउ वी हैव द लास्ट केस लास्ट केस आपके पास क्या है थर्ड केस कि जब ऑब्जेक्ट आपका क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो उसका ग्राफ आपके पास क्या है उसका मतलब क्या है कि अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ठीक है ना तो वो रहेगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ तो प्लॉट करेंगे उसको कैसे आपके पास आएगा दैट ग्राफ विल बी कर्व ठीक है ना एक ऐसे ग्राफ आपके पास आएगा ठीक है ना वो ग्राफ ऐसा होगा स्ट्रेट नहीं होगा वो एक कर्व ग्राफ होगा सो so यहाँ पे आपके पास आएगा डिस्टेंस यहाँ पे आपके पास क्या आएगा टाइम ठीक है ना सो दिज आर थ्री ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए नॉन यूनिफॉर्म के लिए और आपके पास क्या है रेस्ट में जब आपका ऑब्जेक्ट है सो दिस इज हाउ दिज आर थ्री ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ सो नेक्स्ट वी हैव द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ठीक है ना क्योंकि आपने डिस्टेंस टाइम किया तो वेलोसिटी टाइम भी आपके पास नेक्स्ट ग्राफ आपका होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास क्या होगा ऑन वन एक्सिस वी विल टेक वेलोसिटी ऑन अदर एक्सिस वी विल टेक टाइम द ग्राफ बिटवीन द वेलोसिटी एंड द टाइम ठीक है ना और यहाँ पे भी आपके केसेस बनेंगे सबसे पहला केस आपका बनेगा सबसे पहला केस बनेगा आपका यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मली एसेलेटेड मोशन ठीक है ना यूनिफॉर्मली एसेलेटेड मोशन और उसके बाद आपका बनेगा नॉन यूनिफॉर्मली एसेलेटेड मोशन ठीक है ना यूनिफॉर्मली एसेलेटेड मोशन नॉन यूनिफॉर्मली एसेलेटेड मोशन और आपके पास एक बनेगा यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार ठीक है ना यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार तो ये तीन केस हम करेंगे आप डिस्कस सबसे पहला आपके पास क्या बोला मैंने यूनिफॉर्मली आइसोलेटेड मोशन नॉन यूनिफॉर्मली आइसोलेटेड मोशन एंड द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार ठीक है ना यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आपके पास क्या होगा कि आपकी जो बिलोसिटी है एक प्रॉपर इंटरवल में इक्वल है आपके पास मतलब कोई चेंज नहीं है बिलोसिटी जो आपकी पहले थी एक दस मिनट पहले थी दस मिनट के बाद भी बिलोसिटी आपके पास वही है उसकी विलोसिटी में कोई भी चेंज आपके पास नहीं है तो अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करता हूँ यूनिफॉर्म मोशन में आपके पास क्या आएगा कि दिस इज माई टाइम एक्सिस दिस इज माई बिलोसिटी एक्सिस सो होगा क्या कि सपोज एट दिस टाइम ठीक है ना आपकी गाड़ी की बिलोसिटी कितनी है फोर्टी किलोमीटर पर आ रहा है ठीक है ना फोर्टी किलोमीटर पर आर की स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है आफ्टर टाइम सपोज एट दिस पॉइंट बिलोस्टी सेम है एट दिस पॉइंटी ऑल्सो सेम एट दिस पॉइंटी ऑल्सो सेम सो ये जो ग्राफ आपका बनता है दिस इज द ग्राफ ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार जहाँ पे बिलोस्टी आपकी क्या है सेम है और इस केस में इन दिस केस आपका जो एसलेशन होता है वो होता है जीरो एसलेशन आपका क्या होता है जीरो होता है नेक्स्ट आपके पास केस क्या है नेक्स्ट केस मैं लेता हूँ आप यूनिफॉर्मली एसलेटिड मोशन ठीक है ना जब यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन की बात की जाएगी तो वहाँ पे क्या बोला जाएगा कि आपकी जो विलोसिटी में चेंज है देखिए यहाँ पे तो विलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं है यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड में क्या होगा कि जो चेंज इन विलोसिटी होगा चेंज इन विलॉसिटी वो आपका इक्वल होगा ठीक है ना चेंज इन वेलॉसिटी आपके पास क्या होगा इक्वल इक्वल कहाँ पर होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम कि टाइम के साथ जो टाइम में चेंज आपका होगा उस जैसे दस मिनट में आपकी विलोसिटी दस किलोमीटर पर आर बढ़ी है अगले दस में भी सेम बढ़ती है उसे अगले दस में भी आपकी वैल्यू सेम बढ़ती है तो ये बनता है चेंज इन विलोसिटी इक्वल होगा आपके पास इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा उससे पहले देखिए आप कि सपोज दिस इज माई विलोसिटी एंड दिस इज माई टाइम एक्सिस ठीक है ना विलासिटी एंड टाइम एक्सिस की बात करता हूँ मैं तो इसको प्लॉट करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एट टाइम जब आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो विलोसटी भी आपके पास क्या है ज़ीरो मीटर पर सेकेंड ठीक है ना सपोज एट फाइव सेकेंड आफ्टर फाइव सेकेंड पाँच सेकेंड के बाद आपकी विलोसटी बन जाती है 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर टेन सेकेंड दस सेकेंड के बाद विलोस्टी बन जाती है फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड आफ्टर फिफ्टीन सेकेंड विलोस्टी बन जाती है आपकी ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड आफ्टर ट्वेंटी सेकेंड विलोस्टी बन जाती है आपकी ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड ये आपकी विलोस्टी बन जाती है सो एज यू कैन सी जीरो टू फाइव 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 एंड फाइव इंटरवल आपका फाइव सेकेंड ले रहा हूँ मैं इंटरवल सेम है चेंज इन विलोसिटी चेंज इन विलोसिटी मतलब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया जीरो टू टेन किया ना मैंने तो जीरो टेन आप इसको कर लीजिए यहाँ पे टेन कर लीजिए आप इसको गलत हो जाएगा ये ज़ीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी कर लीजिए आप ठीक है ना इजी रहेगा ज़ीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी तो मतलब जब, जब जीरो पे तो गाड़ी की स्पीड भी ज़ीरो है जब पांच सेकंड निकले तो गाड़ी की स्पीड क्या होगी टेन मीटर पर से मतलब चेंज कितना आया टेन अगले पांच सेकंड में स्पीड बन जाती है ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस टेन चेंज कितना आया आपके पास टेन अगले पांच सेकंड में स्पीड बन जाती है थर्टी चेंज कितना आता है आपके पास टेन उससे आगे चेंज कितना आता है टेन मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी का जो इंटरवल आपके पास है वो आपके पास क्या सेम है ठीक है ना तो दिस इज द केस ऑफ द यूनिफॉर्मली एसरलेटेड मोशन ठीक है ना और जब इसको प्लॉट करेंगे आपका जो ग्राफ बनेगा दैट ग्राफ विल बी लाइक दिस ठीक है ना तो वो ग्राफ आपका कुछ ऐसे होगा ठीक है ना सो दिस इज माई टाइम एक्सिस एंड दिस इज माई वेलोसिटी एक्सिस ठीक है ना तो इसको वाई एक्सिस आप इसको एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं और इस ग्राफ का यूज क्या है ठीक है ना तो जो एरिया होता है सपोज मैं दो पॉइंट्स की बात करता हूँ दिस इज पॉइंट ए दिस इज पॉइंट बी सो इन दो पॉइंट की बात करता हूँ तो ये जो एरिया आता है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है वन मार्क्स में द एरिया अंडर द टाइम ग्राफ हमें क्या देता है इट गिव्स अस अबाउट द टेल अबाउट द डिस्टेंस डिस्टेंस कवर ठीक है ना कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है ये हमें बताता है डिस्टेंस कवर्ड बोलिए या आप इसको बोल दिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बात ही की है मैग्नीट्यूड ऑफ आप साइन की बात नहीं करोगे उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सो द एरिया अंडर वी टी कर्व वीटी कर्व एरिया अंडर टेलेस अबाउट द डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट ठीक है ना तो ये आपका रहेगा आपको याद रखना है लास्ट केस आपको मैंने बोला नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन अब नॉन यूनिफॉर्म की जब बात की जाएगी तो नॉन यूनिफॉर्म में आपके पास क्या आएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पर चेंज इन बिलोस्टी जो है वो अनइकल है ठीक है ना तो उसका जो ग्राफ बनेगा आपके पास वो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा आइर दिस वे बन सकता है वो ठीक है ना ऐसे बन जाए ऐसे बन जाए ठीक है ना तो ये जो ग्राफ आपके बनेंगे ये किसके बनेंगे आपके ये ग्राफ बन जाए आपके पास ये ग्राफ बन जाए ठीक है ना तो ये जो ग्राफ आपके बनेंगे दीज ग्राफ फॉर फॉर द नॉन यूनिफॉर्मली एसरलेटेड मोशन ठीक है ना जहाँ पे आपका चेंज इन विलोस इक्वल नहीं है तो ये ग्राफ आपके पास आएंगे ठीक है ना तो ये आपका केस है जो मैंने आपको बता दिए तीन केसेस थे नेक्स्ट हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से उनको सॉल्व करेंगे उनकी वैल्यूज हम निकालेंगे इक्वेशन जो आपके पास तीन इक्वेशन है उनको करेंगे हम सो जब इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास तीन इक्वेशन है सबसे पहली इक्वेशन होती है वी इज इक्वल्स टू स ए टी सेकेंड इक्वेशन मोशन आपके पास क्या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर और थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू टू ए एस ठीक है ना इन तीनों को हमने सॉल्व करना है इन तीनों की हमने वैल्यू निकालनी इनको बताना है कि ये आपकी वैल्यूज कैसे आती हैं ठीक है ना सो so, देखिए आप यहाँ पे मैं करता हूँ कि लेट लेट एन ऑब्जेक्ट लेट एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट या स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट ठीक है ना एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ एंड अटेन अ वेलोसिटी अटेन अ वेलोसिटी यू ठीक है ना या ये भी बोल दो आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते लेट एन ऑब्जेक्ट अटेन अ वेलोसिटी यू या आप इसको ऐसे कर करिए इसको डिलीट करके आप क्या बोल सकते हो लेट एन ऑब्जेक्ट विद इनिशियल वेलोसिटी यू इनिशियल यू ठीक है ना लेट लेटर ऑब्जेक्ट विद वेलोसिटी यू मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है ना मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन इसको आप बोलो कि यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन ठीक है ना यूनिफॉर्म मोशन इट कवर इट अटेन इट अटेन अ अलॉसिटी ऑफ वी मीटर पर सेकेंड आफ्टर एन इंटरवल ऑफ आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टी सेकेंड ठीक है ना कि ऑब्जेक्ट आपके पास है उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी बन जाती है वी ठीक है ना टाइम कितना लगा उसको टी सेकेंड लगा और इसको आप बोल दीजिए वो कट कर दीजिए आप ठीक है ना कोई जरूरत नहीं है इसको हम इसको ऐसे करेंगे ठीक है ना जैसे अगर आप लोड करेंगे तो क्या करेंगे मैंने बोला कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है फॉर दिस इज योर दिस इज माई टाइम एक्सिस एंड दिस इज माई वेलोसिटी एक्सी ठीक है ना कोई ऑब्जेक्ट है मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी यू है सपोज आपकी दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी यू ठीक है ना वो यूनिफॉर्मली चलता है तो कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या बन जाती है वी बन जाती है ठीक है ना आफ्टर सम टाइम मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आएगी ये जो वैल्यू आपके पास क्या वी है ठीक है ना दिस इज माई वी ठीक है ना और टाइम कितना लगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में वो टाइम आपको लगा है टी सेकेंड ठीक है ना तो दिस टाइम इज योर टी सेकेंड अब हमने यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप क्या कीजिए ये लाइन आपके पास है दिस इज ओ ए बी सी एंड डी ठीक है ना ये आपके पास लाइन है क्या कीजिए एक लाइन ड्रॉ कीजिए पैरल टू सी बी फ्रॉम हेयर ठीक है ना एक लाइन ड्रॉ की दैट इज माई डी ई ये आपका डी बन जाता है ठीक है ना अब यहाँ पे देखिए आप अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये वैल्यू आपके पास क्या है यू आपके पास है ठीक है ना और ये कंप्लीट वैल्यू आपके पास क्या वी है क्योंकि अब आपकी वेलोसिटी वी हो गई है आप मुझे बताओ आपके पास ये जो वैल्यू आएगी बी ई आपके पास आएगा ये वैल्यू आपके पास क्या होगी वट विल बी दिस बी ई फाइंड आउट करते हैं इसको अगर मैं बोलूँ आपको कि वट इज ए बी ए बी ए बी तो क्या आपके पास क्या है बी ई प्लस ए ई बी ई प्लस ए ई एंड वट इज ए ई ए ई आपके पास क्या है वट इज ए आपके पास ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है ए ई e आपके पास क्या U है यू है एंड वट इज़ योर ए बी ए बी ए बी कंप्लीट वैल्यू जो कि मैंने क्या बोला आपको वी है तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे ए बी की जगह वी इक्वल्स टू बी ई प्लस ए आपके पास कितना यू तो यहाँ से जो बी ई आपके पास है दैट इज वी माइनस यू और ये बी ई आपके पास क्या है चेंज इन वेलॉसिटी है चेंज इन विलोसिटी ठीक है नहीं सो बात करें ऐसा की ऐसे आपके पास क्या होता है चेंज इन वेलॉसिटी ओवर टाइम चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम तो चेंज इन वेलोसिटी आपके पास कितना होगा वी ई ओवर टाइम कितना आपके पास ओ ए टाइम आपके पास कितना है ओ ए तो बी आपने क्या वैल्यू निकाली है वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ओ ए आपके पास कितना है ओ ए आपके पास टाइम हर इक्वल टू किसके ये ए के आपके पास आते हैं सो so ये ए इधर मल्टीप्लाई होगा ए इ टू टी इजिकल टू वी माइनस यू ये यू इधर आएगा सो ए टी प्लस यू इजकल टू वी और इसको लिखूँ अगर मैं ऐसे करके तो इट इज नाउ वी इजिकल टू यू प्लस ए टी एंड दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास आता है ठीक है जी नेक्स्ट वी हैव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डेट वी कोर्स को बोलते हैं पोजिशन टाइम रिलेशन ऐसे ही आ सकता है एग्जाम में आपके पास तो बोलेगा डायरेक्टली एग्जामिनर कि ग्राफिकली आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व कीजिए या बोलेगा पोजिशन टाइम रिलेशन तो पोजिशन टाइम रिलेशन आपके पास होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर ठीक है ना एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर ठीक है ना सो दिस इज माई टाइम एक्सिस दिस इज माई बिलोस्टी एक्सिस देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको मैंने ये बताया था कि आपका जो वी टी ग्राफ होता है वी टी ग्राफ आपको हेल्प करता है वी टी ग्राफ हेल्प करता है मैं क्या करने में टू फाइंड द डिस्टेंस डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ठीक है ना नहीं सॉरी मैगनीट ऑफ डिस्टेंस ये बताया था आपको मैंने ठीक है ना मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस आपको हेल्प करता है बताने में जो वी टी क्रव आपके पास था ठीक है ना वट इज द एरिया एरिया यहां पर क्या बनता है एरिया आपका बनता है यहां से ओ ए बी डी एरिया क्या बनता है यहां पर एरिया ऑफ ओ ए बी डी एरिया ऑफ ओ ए बी डी तो यह आपको क्या बताएगा दिस विल ट्रेवल द डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ठीक है ना कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह जो एरिया आपके पास है ओ आई बी डी का एरिया है यह दो एरिया से मिलकर बनाए एक आपके पास ट्रैंगल है एक आपके पास क्या रेक्टेंगल आपके पास है तो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रैंगल एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सी है बी डी ई बी डी ई प्लस एरिया ऑफ क्या बनता है रेक्टेंगल दैट इज माई ओ ए डी ओ ए ई डी ठीक है ना सो एरिया ऑफ ट्रेंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है प्लस रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ आपके पास होता है तो अगर मैं ट्रेंगल की बात करता रहा हूँ ट्रेंगल का बेस आपके पास क्या है डी ई आपके पास है सो हाफ इंटू डी ई हाइट आपके पास क्या बी ई आपके पास हाइट है प्लस लेंथ लेंथ आपके पास क्या ओ ए ब्रेथ आपके पास क्या है ए ई ठीक है ना ब्रैथ आपके पास क्या ए ई है सो हाफ इंटू डी ई देखिए डी आपके पास ये डी ई -E और ये ओ ए -E सेम है तो डी आपके पास बना टी वाट इज बी ई बी ई आपके पास क्या निकाल रखा वी माइनस सी यू वी माइनस यू प्लस ओ ए ओ ए अगेन आपके पास टाइम है एंड वट इज ए आपके पास देखिए ये आपके पास क्या है यू आपके पास है तो इन टू यू सो यहाँ से आपके पास फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपके पास क्या आएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ठीक है ना v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस एटी ये u इधर आएगा v माइनस यू इक्वल टू क्या बनेगा एटी बनेगा दैट मीन आप क्या कीजिए इस वैल्यू को जो आपके पास v माइनस यू इक्वल टू ए आया इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए v माइनस हो जाएगा आप क्या पुट कर दीजिए आप ए पुट कर दीजिए सो दिस विल बिकम s इक्वल टू हाफ इं टी क्या बन जाएगा ए टी प्लस यू टी तो ए टी क्या बन जाएगा हाफ ए टी स्क्वेयर प्लस यू टी तो एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर प्लस यू टी इसको आप ये लिख दो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर सो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है जी लास्ट वी हैव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज कॉल्ड पॉजिशन विलोसिटी रिलेशन ठीक है जी पॉजिशन विलॉसिटी रिलेशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगेन पॉजिशन की बात करते हैं विलॉसिटी की बात करते हैं तो बात करेंगे वही एस आपके पास क्या होता है एरिया अंडर ओ ए बी डी ओ ए बी डी और ये ओ ए बी डी आपके पास क्या है आप देखिए ये लाइन और ये लाइन आपके पास पैदल है

एक पैरल साइड आपके पास ये है सो हाफ इंटू पहली पैरल साइड ओ डी प्लस ए बी देखिए ओ डी प्लस ए बी इंटू हाइट हाइट क्या बने आपके पास ओ ए बन जाती है ठीक है जी सो हाफ इंटू वट इज़ ओ डी ओ डी आपके पास क्या यू है एंड वट इज़ ए बी ए बी आपके पास क्या वी है इंटू ओ या आपके पास क्या टाइम है जी यहाँ पे ठीक है ना एटी आपके पास क्या टाइम अगेन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या होता है वी इज इकल टू क्या होता है यू प्लसिटी देखिए पोजिशन विलोसिटी की बात करता है पोजिशन विलोसिटी आपके पास टाइम यहाँ पे नहीं है तो टाइम को हमने क्या करना है रिमूव करना है यहाँ से यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालिए है वी माइनस यू इज इक्वल टू एटी और यहाँ से टाइम आएगा वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए इज इकल टू आएगा टी ठीक है ना तो ये जो टाइम की वैल्यू आपके पास आती है इस वैल्यू को मैंने कहाँ पुट कर देना आई विल पुट दिस वैल्यू ऑफ टाइम इन टू ठीक है ना तो क्या होगा आपके पास आपके पास यहाँ बनेगा हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए आपका बन जाता है सो तो होगा क्या और इक्वल टू किसके सारा ये एस के इक्वल है तो ये टू ए इधर आएगा तो इट बन जाएगा टू ए एस इक्वल टू और ये वी प्लस यू वी माइनस यू ए प्लस बी ए माइनस बी आपकी आइडेंटिटी है तो इट बन जाएगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर ठीक है जी तो दिस इज ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको बोलते हैं पोजिशन विलोसिटी रिलेशन बहुत ईजी है आपने एक बार प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक है ना देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट की विलोसिटी चेंज करती है वैन विलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस ठीक है ना जब किसी ऑब्जेक्ट की विलोसिटी चेंज करती है तो हम बोल देते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इज ऐसरलेटिंग ठीक है ना कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है एसरिलेट कर रहा है ठीक है ना वैन velocity ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस हम बोलेंगे क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है एसरलेट कर रहा है अब जो विलासिटी में चेंज हुआ है विलोसिटी में चेंज हुआ है वो दो तरीके से हो सकते हैं या तो विलॉसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा या तो विलोसिटी का क्या चेंज होगा मैग्नीट्यूड चेंज होगा या क्या चेंज होगी डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन चेंज होगी जो ऑब्जेक्ट है ठीक है ना चेंज विलोसिटी होगी आदर बिकॉज ऑफ चेंज इन द मैग्नीट्यूड या चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट या दोनों बहुत ठीक है ना ये दोनों एक साथ भी चेंज करेंगे तब भी आपकी विलोसिटी चेंज करेगी और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा एसरलेटिंग होगा एसरलेटेड ऑब्जेक्ट होगा आपके पास ठीक है ना तो क्या आपको ऐसा एग्जाम्पल्स सोच सकते हैं जहाँ पर आपका जो विलोसिटी में चेंज होगा विलोसिटी में क्या होगा चेंज होगा दैट चेंज इज़ ओनली ड्यू टू द डायरेक्शन इज ओनली ड्यू टू द डायरेक्शन कि वो जो विलोसिटी में चेंज हुआ है सिर्फ डायरेक्शन की वजह से चेंज हुआ है उसमें जो है ना विलोसिटी का जो मैगनीट्यूड है वो चेंज नहीं होता बट ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन आपका वेलोसिटी चेंज होती है ठीक है ना तो हम एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल मैंने क्या लिया यहाँ पे कि सपोज आपके पास कोई एथलीट है ठीक है ना वो एथलीट एक रेक्टेंगुलर पार्क ठीक है ना ए बी सी डी ठीक है ना इसके राउंड एक राउंड लगा रहा है तो ए से बी पे गया बी से सी सी से डी डी से ए तो जब वो स्ट्रेट करता है ए से बी मूव करता है तो बी पे आके क्या करता है चेंज करता है यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुई यहाँ पे भी क्या हुई डायरेक्शन चेंज हुई यहाँ पे भी क्या हुई डायरेक्शन चेंज हुई यहाँ पे भी क्या हुई डायरेक्शन चेंज हुई मतलब फोर टाइम्स उसकी क्या हुई डायरेक्शन चेंज होती है आगे देखिए अगर मैं बोलता हूँ कि वही एथलीट क्या कर जाए एक हेक्सागन के अराउंड मूव करें सो नाव वी हैव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स टाइम्स डायरेक्शन क्या होती है चेंज होती है उसके बाद अगर मैं बोल दूँ कि वो जो एथलीट है वो क्या करे एक ओक्टागन ठीक है ना एट साइड्स ठीक है ना वहाँ पे रन करे सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट टाइम्स उसकी डायरेक्शन क्या होगी चेंज होगी ठीक है ना तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं साइड्स को इनक्रीज कर रहे हैं साइड्स को क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं आपका जो है ना डायरेक्शन भी क्या कर रही है इंक्रीज करती जा रही है ठीक है ना मतलब जितनी बार चेंज करेगा डायरेक्शन चेंज करेगा उतनी बार ही उसकी विलोसटी भी क्या होगी चेंज हो जाएगी ठीक है ना लेकिन अगर हम इन साइड्स को इनडेफिनेटली इनडेफिनेटली मतलब इनफाइनाइट टाइम्स क्या कर दें इनको मतलब इंक्रीज कर दें ठीक है ना तो क्या हो जाएगा ये जो साइड है इनडेफिनेटली मतलब बहुत ज़्यादा बार ठीक है ना तो ये जो साइड है ये साइड क्या बन जाएगी एक पॉइंट बन जाएगी ठीक है ना ये साइड क्या बन जाएगी एक पॉइंट बन जाएगी और जब उसको मैं एक्चुअल में बनाऊंगा तो वो बन जाएगा एक सर्कुलर पाथ क्या बन जाएगा आपके पास एक ये सर्कुलर पाथ बन जाएगा और यहाँ पे आपके पास इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके पास है ठीक है ना और हर एक पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन क्या हो रही है चेंज हो रही है और जब आपकी डायरेक्शन चेंज होती है अगर आपका ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड जो है ना वेलोसिटी मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है कॉन्स्टेंट रहने दो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका सेम है बट वहाँ पर विलॉसिटी में चेंज होगा दैट चेंज ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन चेंज इन द डायरेक्शन और वो डायरेक्शन आपकी हर एक पॉइंट पे क्या करेगी चेंज करेगी ठीक है ना वो डायरेक्शन जो है ना हर एक पॉइंट पे चेंज करेगी ड्यू टू द और वो जो आपके पास वो बनेगा आपका क्या कहते हैं वो जो क्या बनेगा आपके पास जो मोशन बनेगा वो बनेगा आपका सर्कुलर मोशन ऐसे मोशन होगा क्योंकि विलोस्टी चेंज करेगी विलोस्टी चेंज क्यों करेगी क्योंकि वहां पर चेंज इन क्या हुआ आपके पास डायरेक्शन हुआ है तो ये बन जाएगा ठीक है ना तो आप देखिए आपके पास ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहे हैं ठीक है ना तो दिस इज सर्कल सर्कल क्या आपके पास क्या सर्कम फेरिस होती है अगर वो एक पॉइंट से चला यहां से चला वापस यहाँ पे आ गया तो डिस्टेंस कवर क्या किया उसने सरकम फेरस कवर किया दैट इज योर टू पाई आर ठीक है ना और इसको कवर करने में बोलता हूं कि टाइम लगा टी टाइम कितना लगा टी तो विलोस्टी क्या बन जाएगी विलोस्टी बन जाती है डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाई टाइम सो टू पाई आर डिवाइडेड बाई टी मैग्नीट्यूड आप ये मत बोलना कि सर सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी विलोस्ट डिस्प्लेसमेंट मे, में तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है लेकिन यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ मैग्नीट्यूड टू पाई आर बाई टी आपके पास तो वेलोसिटी में टू पाई आर ठीक है ना और जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वो जो मोशन आपके पास होता है वो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या बोलते हैं उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो यू कैन डाउट एन दिस क्वेश्चन इन कमेंट ठीक है उसका आंसर आपको मैं जरूर दूंगा थैंक यू